सो हाई एवरी वन एंड वेलकम टू जे के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स पे जो मई के करंट अफेयर्स हैं जो प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया था उस उसमें मैंने मई के हाफ जो हैं करंट अफेयर्स बताए थे जो रिमेनिंग वर्ष हैं मई के मई मंथ के वो मैं इस लेक्चर में कवर करूँगी प्लस जो जून के आ, मतलब फर्स्ट से फिफ्टींथ ऑफ जून के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर तो फर्स्ट है आयुष संजीवनी ऐप तो ये जो ऐप है ये मई में आई ये ऐप तो बेसिकली ये किसके रिलेटेड कोविड नाइन्टीन के रिलेटेड थी ठीक है नंबर सेकेंड इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसको अपॉइंट किया गया अजय तिरके को ठीक है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसको रखा गया सेक्रेटरी किसको बनाया गया अजय तिरके को फिर है नेक्स्ट डार यासीन मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद जो जम्मू कश्मीर के हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जम्मू कश्मीर से डार यासीन मुख्तार खान और छन्नी आनंद को क्या मिलता है प्लिटर प्राइज़ 2020 तो काफ़ी प्रस्टिजियस ये प्राइज़ है अवार्ड है ये तो बेसिकली ये जो अवार्ड है ये मिलता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स तो इन तीनों को ये मिला गया है ये प्राइज़ ठीक है इम्पोर्टेंट है ये सेकेंड इज़ एम फोन साइक्लोन ये आया था इसी साल मई के महीने में ईस्ट इंडिया साइड पे यह साइकिल आया था उड़ीसा वेस्ट बंगाल में आया था ये तो बेसिकली ये साइक्लोन का जो ओरिजिन कहाँ से हुआ था श्रीलंका से काफ़ी लो प्रेशर से यह स्टार्ट हुआ था श्रीलंका से कम्बोडिया से और वहाँ से आके ये कहाँ एंटर हुआ फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई यहाँ पे तो काफ़ी मतलब 1999 में आया था उड़ीसा में एक साइक्लोन उसके बाद ये सबसे ख़तरनाक ये साइक्लोन है एम्फोन साइक्लोन, ठीक है नेक्स्ट है डेजर्ट लोकस तो इस साल काफी बहुत टफ रहा ये साल कोविड नाइनटीन था साइक्लोन भी आ गया और साथ में डेजर्ट लोकस्ट आए। जो होते हैं ना कीड़े और टिड्डे जिनको बोलते हैं लोकस्ट ठीक है बेसिकली ये पाकिस्तान से आए थे लोकस्ट तो इनको डेजर्ट लोकस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं इसी एनवायरनमेंट में ब्रीड इनकी ब्रीडिंग होती है डेजर्ट सेमी एरिड रीजन में इनकी ब्रीडिंग होती है तो पाकिस्तान से होते होते कहाँ से आए राजस्थान से आए जो कि एक डेजर्ट एक सेमी एरिड रीजन है वहाँ से फिर ये एंटर हुए कहाँ पर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से फिर यूपी आए तो आते आते थे थे मतलब पाकिस्तान से लोकस्ट होता आते थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आए और ये कहाँ पहुंच गए यूपी तक पहुंच गई है ठीक है तो ये भी न्यूज में था काफी नजर लोकस्ट फिर है आई एस आर ओ इसरो गगनयान मिशन तो इसरो ने क्या कहा कि जो जो ये मिशन जो है गगनयान मिशन के लिए हम इंडिया में ही ये स्टार्टअप करते हैं जो भी हम मटेरियल बनाएंगे वो हम इंडिया इससे क्या फ़ायदा होता है कि बाहर जो बाहर से जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करेंगे उस पर काफ़ी ज़्यादा फिर टैक्स वगैरह लगेगा तो प्राइस जो उसके जो प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं तो जो होम हम बनाते हैं यहाँ पर उससे क्या होता है उतना वो कॉस्ट लेनी जाती है तो गगनयान मिशन के लिए सेम ये कहा गया कि जो हम स्टार्टअप करेंगे इंडिया में ही करेंगे तो गगनयान मिशन का एक और ये है कि इस मिशन में जो है ह्यूमन की इन्वॉलमेंट भी होगी मतलब ह्यूमन भी जाएगा इसमें कहीं भी जाना हो ह्यूमन भी इसमें जाएगा ठीक है उसके बाद है नबार्ड नबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो कि फंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे टू ज़ीरो फाइव ज़ीरो ज़ीरो करोड़ जो है ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ जो है इतना पैसा दिया किस को टू हेल्प फार्मर्स क्योंकि फार्मर्स की कंडीशन आप लोगों को पता ही है कि कितनी इंडिया में ख़राब है तो ये जो है इंस्टीट्यूशन ये इनको हेल्प करेगी इतने बजट से तो बेसिकली इस नबार्ड जो है एक इंस्टीट्यूशन है ठीक है तो इसको कौन फंड प्रोवाइड करेगा इसको फंड प्रोवाइड करेगा आरबीआई बैंक ठीक है कॉपरेटिव बैंक वगैरह वो इनको इसको फंड प्रोवाइड करेगी और फिर ये आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी फार्मर्स को हो गया ये फिर है नेक्स्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बेसिकली ये जो योजना है ये फिशेस या फिशरी के रिलेटेड है मतलब कि जो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस पे इन्वेस्ट करो पैसा करो ये जो जो ये सेक्टर है फिशेस का जो सेक्टर है इसको आप बूस्ट करो क्योंकि इस पे भी काफी ज्यादा जो है इनकम अर्निंग होती है तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो मत्स्य संपदा योजना है ये फिशरीज के Uh, जो है उस सेक्टर में आता है ओके फिर नेक्स्ट है बेंजामिन याहू। बेंजामिन याहू इन, ये इन्होंने जो है पीएम बने किसके के। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ठीक है जो काफी बड़ी बात है इंडिया के लिए डब्ल्यू एच ओ जो है उनके चेयरमैन अब किसको रखा गया ऑफ़ डब्ल्यू एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वो कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन फिर है नेक्स्ट चरण पदू चरण पदू बेसिकली क्या स्कीम है कि uh, आपने देखा होगा कि बाहर जो स्टेट्स में जो लेबर होता है जो काम करते हैं ठीक है ठीके? वो क्या काम करते हैं सड़कों पे नंगे पैर चलते हैं चाहे औरतें हों बच्चे हों या फिर मर्द हो वो नंगे पाँव चलते हैं सड़कों पे तो ये जो इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिया कि इनको हम प्रोवाइड करेंगे जो है फूडवेयर वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि इन इनकी सहूलियत के लिए ठीक है तो मध्य प्रदेश ने इनिशिएटिव लिया है चरण पदू का चरन हिंदी वर्ड है मीन्स पाऊँ फिर है उसके बाद लास्ट एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये भी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि हर किसी को रोज़गार मिलेगा एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने भी बेरोजगार उनको थोड़ा रोजगार मिलेगा मतलब बड़ी पोस्ट तो नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लेकिन छोटी मोटी जितनी भी हैं काम मिल जाएगा इनको ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट पे इंडिया एंड भूटान ठीक है ये इंटरनेशनल न्यूज है इंडिया एंड भूटान इंडिया एंड भूटान जो है इन्होंने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो काफी बार आपने ये सुना होगा आई एम ओ यू ठीक है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच ये साइन हुआ इंडिया एंड भूटान के बीच में तो टॉपिक क्या था किस uh, टॉपिक पे ये साइन हुआ एनवायरमेंट रिलेटेड चीज पे तो इससे पहले भी ये साइन हो चुका है दस साल पहले आई थिंक 2016 में ये एक्सपायर हो गया फिर से इन्होंने साइन किया है तो 10 साल तक रहा है तो 10 साल के लिए इन्होंने फिर से साइन किया है ठीक है एनवायरमेंटल जो है इश्यूज़ है उसके रिलेटेड फिर नेक्स्ट आता है इंडिया एंड डेनमार्क इन्होंने भी सेम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एनर्जी कॉपरेशन मतलब एनर्जी पावर सेक्टर के रिलेटेड जो है वहाँ पर इन्होंने साइन किया है फिर नेक्स्ट आता है सहाकार मित्रा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ये स्कीम जो है लॉन्च की है बेसिकली सहाकार uh, मित्र स्कीम में क्या होगा कि एक ये तो बेसिकली ये एक इंटर्नशिप uh, प्रोग्राम uh, है जहाँ पे uh, लोगों को ट्रेन किया जाएगा ठीक है किसके रिलेटेड एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के रिलेटेड ठीक है मतलब ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है ये फिर है टुलिप ये भी सेम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जहाँ पे जो अ, अर्बन अ, बेसिकली किसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए जो अर्बन में जो ग्रेजुएट्स हैं ठीक है फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा ओके फिर है आरोग्य पथ तो आरोग्य पथ एक समझो एक ऑनलाइन एक नेटवर्क है जिसमें आपको पता जिसमें गवर्नमेंट आपको पूरा हिसाब बताएगी कितना कि कितने मेडिसिन अवेलेबल है कितनी मेड कौन सी मेडिस एक्सपायर होगी मतलब इट्स ऑल अबाउट किसके बारे में मेडिसन्स वगैरह के बारे में कि कितनी है कितनी बची हैं ठीक है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेडिसन्स वगैरह के बारे में फिर है नेक्स्ट शहोजोदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटवर्क तो शहोजोदा बेसिकली ये भी कोविड uh, नाइन्टीन के रिलेटेड है वो इसलिए क्योंकि uh, जो प्लाज्मा जो हम लेते हैं जब कोई पेशेंट जो है ठीक हो जाता है फिर हम उसका प्लाज्मा लेते हैं उस प्ला, उसके प्लाज्मा से क्या होता है कि आ, उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि जब हम दूसरे किसी कोरोना पेशेंट में वो, वो इंजेक्ट करते हैं तो उससे रिकवरी होती है ठीक है देख गई है रिकवरी तो ये जो शहो ये जो शहो शहोजोधा ऑनलाइन पेश नेटवर्क है इसी के बारे में बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ है तो ये इसी के बारे में है जो प्लाज्मा जो है हम जो ठीक हुए हैं पेशेंट्स वहाँ से लेके हम दूसरों में जो है ट्रांसफर कर दे फिर है किरण किरण मजूमदार शाह तो ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा किरण मजूमदार शाह इनको मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ठीक है तो ये एक पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड में जो है इनको मिला है वर्ल्ड लेवल का ये अवार्ड है तो इनको मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ये काफ़ी फेमस नाम है किरण मजूमदार शाह ओके फिर है कोलकाता पोर्ट इट्स द ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है तो रिवराइन पोर्ट क्या होता है जो रिवर के माउथ पे हो उसको बोलते हैं रिवराइन तो जो कोलकाता पोर्ट है इसका नाम जो uh, कर दिया गया था क्या श्यामा प्रसाद पोर्ट ठीक है तो ये भी न्यूज़ में था फिर है बाल श्रमिक विद्या योजना तो बाल श्रमिक बाल मीन्स बच्चे छोटे बच्चे बाल श्रमिक विद्या योजना विद्या मीन्स पढ़ाई तो बेसिकली ये यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है इसमें जो है यूपी में आपने काफ़ी देखा हो काफ़ी लेबर्स वगैरह यूपी से आते हैं इधर भी तो वहाँ उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी ठीक है जो मजदूर के जो बच्चे होते हैं वो भी मजदूरी कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उनको भी पढ़ाया जाए ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट इसका एक मई का जो था करंट अफेयर उसके बारे में और जून का जो हाफ है वो मैं हाफ तो मैंने इसमें पढ़ाया और बाकी हाफ़ जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी सो थैंक यू